नमस्ते दोस्तों, देखिए आज हम बॉटनी सब्सिडरी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलएस कॉलेज में सर के द्वारा लिखाया हुआ था, वही आज हम उसी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चाहे तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और बस यही क्वेश्चन करके जाना है, और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे यही सब के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर आप 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आप स्क्रीन शॉर्ट या आप कॉपी में लिख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक ये सब क्वेश्चन है, जैसे पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनरल अकाउंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, तो ये मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, आप सक्सेस साइंस जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ ऑयडोगोनियम ऑफ ई एलगी में आता है, लाइफ साइकिल ऑफ ऑयडोगोनियम, तो ये भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मतलब वीडियो हम अभी बनाएंगे ही, मानिए तो 23 सितंबर से हम इस पर वीडियो बनाने लगेंगे, जब तक परीक्षा रहेगा तब तक। तो इसलिए आपका बोटनी सब्सिडरी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये पूरा आपको आराम से मिल जाएगा मेरे चैनल पर, और पढ़ते रहिएगा। थर्ड है लाइफ साइकिल ऑफ कारा, ये भी एलगी में आता है। फिर है लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोफाइट, तो कौन कौन लाइफ साइकिल पढ़ के जाना है आप लोगों को, एडोगोनियम का, फिर कारा का जाना है, और उसके बाद स्पोरोफाइट ऑफ एंथेरोसेरस, तो स्पोरोफाइट ऑफ एंथेरोसेरस का पढ़ के जाना है। ये तीनों एलगी में आता है, देख सकते हैं ये एलगी एलगी। तो एलगी में तीन चीज़ के बारे में आपको लाइफ साइकिल पढ़ना है, तो हम ये तीन देख लिए। फिर उसके बाद है, अब आता है एलगी के बाद हम ब्रायोफाइट, मतलब इस एलगी के एक और है स्पोरोफाइट ऑफ एंथेरोसेरस, मतलब ये तीनों तो एलगी में देख ही लिए। अब ब्रायोफाइटा में आते हैं, तो मार्चेंटिया या मार्चेंसिया इसको ये भी कह सकते हैं, ये ब्रायोफाइटा में आता है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, ये मार्चेंसिया का, ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। हर बार यही कहते हैं क्योंकि खुद मुझे ही पढ़ना है, तो जो हम एनालिसिस करते हुए जब कर दे लेते हैं तब उसका वीडियो बनाते हैं, तो वो हम बनाएंगे ही। तो मार्चेंसिया ये ब्रायोफाइटा, थैलस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, तो इसका मार्चेंसिया का स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर है इन फंगी फाइटोप्थोरा लाइफ साइकिल, फाइटोप्थोरा का लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है, ये फंगी में आता है फाइटोप्थोरा, तो फाइटोप्थोरा ये फंगी में आता है। तो एलगी ब्रायोफाइटा फंगी, फंगी में और है पुक्सिनिया, तो पुक्सिनिया का लाइफ साइकिल भी पढ़ना है और फाइटोप्थोरा का भी लाइफ साइकिल पढ़ना है। स्ट्रक्चर अब इस तरीके से एलगी ब्रायोफाइटा फंगी में इतना ही पढ़ना है। टेरिडोफाइटा का गेस क्वेश्चन सर नहीं करवाए हैं क्योंकि 2021 के क्वेश्चन में आया था, इसीलिए। अब बात करें तो शायद ग्रुप बी सेक्शन में हमें इतना टॉपिक पढ़ कर जाना है, देख सकते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से लेकर बस यहीं तक है। तो यहाँ पर है 8th क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड डीएनए एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, तो डीएनए के ये दोनों में से कभी ना कभी हमेशा पूछता है कि डिफाइन मतलब डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या डिस्कस फंक्शन ऑफ डीएनए, तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये अभी तक पिछले साल जितने साल देखा गया क्वेश्चन, शायद कोई एक आध साल छूटा होगा, नहीं तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक साल जरूर आता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन रोल इन इवोल्यूशन, तो न्यूट्रिशन का रोल इवोल्यूशन में किस प्रकार से था वो यहाँ पर जानना पड़ेगा। अब माइटोसिस सेल साइकिल एंड मियोसिस सेल साइकिल, तो हमेशा एक साल माइटोसिस पूछता है तो एक साल मियोसिस पूछता है, तो इसलिए आपको ये दोनों पक्का करके जाना है क्योंकि एक पक्का इसमें से आएगा ही, फिर ये वाला करके जाइएगा तीन चीज़, तो तीनों में से एक तो पक्का आएगा ही। क्रोमोजोम उतना मतलब फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी कम नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम भी खूब पूछता है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। अब बात करें तो इकोनॉमिकल बॉटनी, मतलब इकोनॉमिकल में कौन कौन है, ये सब है सीरियल्स, पल्सेज, मेडिसिनल प्लांट, बेवरेजेज, स्पाइसेस, ऑयल्स, ड्रग्स, ये सब अगर कोई भी पूछेगा कि इसके बारे में इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस पर नोट्स लिखिए, राइट नोट्स ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लोइंग, तो इस तरीके से रहेगा, तो कोई दो या तीन चीज़ के बारे में कहेगा, तो ये सब कैसे आपको लिखना होगा, ये गेस्ट पर आपको मेरे चैनल के मतलब मेरे
यहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हैं, बिना ज्वाइन हुए भी कर सकते हैं डाउनलोड, तो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। तो वो कैसे लिखना है वो आपको अभी हम बताएंगे ही, मतलब इस तरीके से गेस क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कितना टोटल क्वेश्चन करना है आपको, एक दो यानी कि टोटल 13 वाला 13 ये, तो इस तरीके से आपको, और बाद बाकी ये हम एक ही जोड़े हैं ये, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ इम्पोर्टेंस में आता है। तो केवल 13 क्वेश्चन ही आप हम लोगों को पढ़ना है, यही सब एग्जाम में आएगा, बाद बाकी देखेंगे तो कितना ज़्यादा क्वेश्चन है देख सकते हैं। यहीं पर इतना सारा दे दिया हुआ है, बैक्टीरियल सेल वाल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन, वायरस यहाँ पर ट्रांसमिशन, तो इस तरीके से यहाँ 6, 7, 8 एलकी में इतना सारा टॉपिक है देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें 7 में से हमें केवल 3 ही पढ़ना था, ऊपर में से केवल एक ही पढ़ना है। तो इस तरीके से गेस क्वेश्चन कराया जो एग्ज़ाम में आएगा। फंगी में शायद हमें दो ही पढ़ना है, तो जिसमें से यहाँ पर दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 दिया हुआ, लेकिन इसमें से 2 ही हम लोग को पढ़ना है सब। तो इस तरीके से बहुत ही यानी कि लगभग जितना सिलेबस में रहता है गेस क्वेश्चन से हम लोग को केवल 30 से 40% ही पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है। उसके बाद ब्रायोफाइटा लाइकेंस में इतना सारा है, और टेरियोफाइटा में भी इतना है, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म है, साइटोलॉजी जेनेटिक्स में इतना सारा है टॉपिक्स, फिर उसके बाद इतना, फिर यहाँ पर है व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर, ये सब इतना ज़्यादा है। देख सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी कितना ज़्यादा है, कॉपी यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें बस जो सर ने लिखवाए हैं, तो सर वे बहुत ही मतलब जानते ही हैं कि ज़रूर 60-65 साल की उनकी उम्र है, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उन्होंने ही लिखवाए। तो ये सब क्वेश्चन हम कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए।